लखनऊ में यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट मीटिंग में 18 बिंदुओं पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार के द्वारा जो तैयार किए गए प्रस्ताव हैं, उनको राज्य सरकार ने अंगीकृत किया है। बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रस्तर 110 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियम किशोर न्याय नियम 2019 सृजित किया गया है। योगी कैबिनेट के अहम फैसले, किशोर न्याय नियम 2019 पर लगी मुहर। भूगर्भ जल विभाग में समूह ख और ग के खाली पदों पर भर्ती करने का फैसला। रोड नेटवर्क परियोजना के रोड सेफ्टी के काम पर मुहर। कुशीनगर हवाई अड्डे को भारतीय विमान पतन प्राधिकरण को ट्रांसफर किया जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के RFQ और RFP पर अनुमोदन, 45 दिन के अंदर पूरी होगी प्रक्रिया। अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्र सेवा नियमावली में 5वें संशोधन को भी मंजूरी मिली। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के अधिकारियों और कर्मचारियों, रेजिडेंट डॉक्टर्स को संजय गांधी आयुर्वेदिक संस्थान के समान भत्ता देने को मंजूरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में वनस्पति उद्यान और योग केंद्र का होगा निर्माण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय में सावित्री बाई फूले के नाम से गर्ल्स हॉस्टल बनाने का फैसला। सिद्धार्थ नगर में मेडिकल कॉलेज बनेगा। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के संकाय सदस्यों के अधिकारियों, कर्मचारियों और रेजिडेंट डॉक्टर्स को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। 2017 में खनन के पट्टे का एक्सटेंशन 1 साल के लिए और बढ़ाया गया। R9 TV के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट।